ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, राइट, हमने कोई मैट्रिक्स ले रखा है, आई जे आपको पता है जनरल टर्म होती है ऑफ ऑफ व्हाट एम बाय एन मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड देन सिमिलरली वी टॉक ऑफ बी, दैट इज एन क्रॉस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नंबर ऑफ रोज, बी का नंबर ऑफ रोज, राइट, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। So the very first thing that I want you to be very clear is that matrix multiplication is possible only when the number of columns of the first, right, jo bhi first pe, that should be equal to the number of rows of the second. Only then matrix multiplication is possible. Otherwise, matrix multiplication possible hi nahi hai. Theek hai bachcho? Then the product of the matrices A and B is the matrix C of the order m cross p. Ye humne abhi abhi is baat ko samjhi. Theek hai? To get I and J term इस चीज को, सो इसको मैं एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। लेट मी गिव यू, ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट जैसे लेट से मैं ये क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, दो बेसिक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के इसको समझने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.2 तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो लेट सी क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखना। और एक चीज और, बिफोर आई स्टार्ट विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेट मी बी वेरी क्लियर इन टेलिंग यू दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, बट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यू टॉक ऑफ बोर्ड्स, यू टॉक ऑफ कॉम्पिटिशंस, फ्रॉम एनीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी यहाँ पे सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं बेटा। तो ध्यान रखना आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन कितनी भी बढ़िया है, बी वेरी श्योर कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के एंटायर टॉपिक में, अभी आगे और बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, हम ट्रांसपोज पढ़ने वाले हैं, इनवर्स पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स अभी, राइट, बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं जो हमें भी करना है इस टॉपिक में। इन सब में एक एडवाइस है जो तुम्हें हमेशा काम आएगी, वो ये कि तुम कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। अगर तुमने कैलकुलेशन में थोड़ी भी अटेंशन अपना लूज किया तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपके मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत संभल के करना है। अब देखो क्या मतलब है, पहले इस बात को देखते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसको देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, पहले तो ऑर्डर देख लो, हालांकि बहुत ईजी है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसा आएगा, इसका नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर्चुनेटली 2/2 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक चीज हमें और क्या देखनी थी, दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड, ठीक है, दैट इज अगेन इजी थिंग, वो यहां पे सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट यस दीज थिंग्स शुड मस्ट बी टेकन केयर, ओके। अब बात आती है मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो बच्चों, आपके पास ये तो पता लग गया कि आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/2 मिलेगा, मतलब आपके पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। अब बात आती है कि लेट से मैं इसका नाम देता हूँ, लेट से मैं इस एलिमेंट का नाम देता हूँ C11, इसका नाम देता हूँ C12, इसका नाम देता हूँ C21 और इसका नाम क्या देता हूँ C22, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अभी लिखा है। नाउ अब ये एलिमेंट्स कैसे ऑब्टेन होंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, राइट, आसानी से समझ में आना चाहिए। होता ये है बेटा कि जैसे अगर तुम्हें C11 ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो फर्स्ट रो यहां से आएगा और फर्स्ट कॉलम यहां से आएगा और अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास ये सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये ए इस ए से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला बी इस पे इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं C11 को थोड़ा सा तुम्हें जूम करके दिखाऊं, C11 ऑब्टेन कैसे होगा, तो दिस ए वुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस एंड दिस बी वुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, ए स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में क्या करोगे, एड कर दोगे, जो भी आएगा उसको एड कर दोगे। तो C11 इज व्हाट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मैं C12 की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा, ये क्या आपको बता रहा है, रो, यानी कि ये फर्स्ट रो होगा। जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड से आएगा, ये क्या होगा, सेकंड कॉलम यहाँ से आएगा, विच इज दैट विच इज माइनस बी, ठीक है, माइनस बी इंटू ए। तो अब क्या होने वाला है, ए बी
will be correspondingly multiplied to minus b and a. तो क्या मिलेगा? A into minus b is minus ab. B into a, that is definitely plus ab. ठीक है, ये वाली चीज कैंसिल हो रही है, यानी मुझे C12 कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है. सिमिलरली मैं C21 की तरफ मूव कर रहा हूँ. अब 2 क्या बता रहा है बेटा? सेकेंड रो. ये पहला कहां से आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा, सेकेंड रो. और 1 क्या बता रहा है? फर्स्ट कॉलम. कहां से आएगा? सेकेंड मैट्रिक्स से आएगा. दैट मींस माइनस बी विल बी मल्टीप्लाइड टू ए, विच विल गिव अस माइनस ए बी और माइनस बी ए, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. एंड ए इंटू बी वुड नथिंग बी प्लस ए बी. ये अगेन दिस इज एलिमेंट इज कमिंग आउट टू बी जीरो. ठीक है, सिमिलरली सी टू टू का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स से आएगा. ध्यान रखना, अभी मैं तभी मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, बिकॉज़ आई नो जो लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं उनको ये वाली चीज इनिशियली थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट विद वन टू एग्जांपल्स यू विल रियली बी कंफर्टेबल विद ऑल दिस. ठीक है, इट इज सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज ऑल. यू नीड टू फॉलो द एल्गोरिथम एंड डू द कैलकुलेशन, दैट इज ऑल. ठीक है, और देखते हैं सी टू टू कितना हो गया. This will be multiplied to minus b into minus b, which is nothing but plus b square, and a into a, that is a square. So, मेरे पास ये सारे elements आ गए, यानी मैं इसके output को क्या लिख सकता हूँ? This is a square plus b square, that is the first element. Here we have zero, here we have zero, and here as well we have the same element. मैं इस matrix को क्या बोल सकता हूँ बच्चों? क्या इस मैट्रिक्स का कोई नाम तुम्हें मालूम है? एनी वन ऑफ यू कोई भी माइक करके ऑन करके बताओ इस मैट्रिक्स को. इज इट एनी पर्टिकुलर टाइप? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं. आइडेंटिटी नहीं कहते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है जब ये वैल्यूज 1 होती. ठीक है, 1 हाँ जी. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक. डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़ रखे, मैंने अभी तुम्हें रिवाइज भी कराया. ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये पर्टिकुलर टाइप कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स. व्हाई? बिकॉज़ आपके पास सारे, जब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट, भाई डायगोनल तो है ही, बिकॉज सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. बट डायगोनल मैट्रिक्स में भी अलग अलग टाइप्स है. अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स. अगर सारे एलिमेंट्स वन है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पे तो ये वन नहीं है ना, सेम है, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. शैल आई गिव यू वन मोर एग्जांपल? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, राइट? आई वोंट आस्क दैट. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल बिकॉज आई नो ये वाली चीज कई बार जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको एक बार में नहीं समझ में आती है. आई नो दैट. ठीक है, इसलिए तुम अगर चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट रख लो, मैं सेकेंड क्वेश्चन भी तुम्हें करके बताता हूँ. ठीक है, नो इश्यूज, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इजी है, बस थोड़ा पेशेंटली तुमने सीखना है. इट इज डेफिनेटली इजी. ओके, लेट अस सी द सेकेंड पार्ट. ध्यान से देखो किस तरीके से तुम क्वेश्चन को अप्रोच करोगे. सेकेंड जो मुझे ये दिख रहा है मैट्रिक्स, दिस इज वन माइनस टू टू एंड थ्री, एंड द अदर मैट्रिक्स विच इज गिवन टू अस is 1, 2, 3, minus 3, 2, and minus 2. ठीक है, सबसे पहली चीज, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो वो देखना बहुत आसान है. क्या है ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, पहला वाला. दूसरा क्या है बेटा? 2 बाई 3 का मैट्रिक्स, राइट. नंबर ऑफ रोज सेकेंड में कितने हैं? 2. कॉलम्स कितने हैं? 3. यानी पॉसिबल है. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट इज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड. Right, so it is very much possible. अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर भी हमेशा, फॉर द सेक ऑफ यू नो अवॉइडिंग एनी सिली मिस्टेक, आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब चीजें अपने मेंटली या फिर लिख लिया करो. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. जैसे ऐसे 2-4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ये चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली ध्यान रहेंगी. बट हाँ, इनिशियली इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अभी ये कि मेरे पास आउटपुट कितना आएगा? दिस इज 1 एंड दिस इज 3, राइट. 2 इंटू 3, यानी जो मेरे पास आउटपुट आएगा, जो भी मैट्रिक्स है उसका नाम मैं क्या दूंगा? 2 इंटू 3. दैट मीन्स there would be 2 rows and 3 columns. The output would have 2 rows and 3 columns. That should be the output. ऐसे आने वाला है. ठीक है, अगेन फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ग्रेजुअली आप ये चीजें डायरेक्टली करने लग जाओगे, बट क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम देके बिल्कुल तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ अभी. ठीक है, सी वन
वन सी वन टू सी वन थ्री और सी टू वन सी टू टू एंड सी टू थ्री राइट। अब मैंने क्या बोला फिर से बहुत ध्यान से देखना बेटा राइट जो आईएससी वाले बच्चे हैं वो आगे क्वेश्चंस करते रहें। आई एम श्योर आपको ये चीजें बहुत इजी लग रही हैं सो प्लीज मेक श्योर आप थोड़े आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो राइट डोंट वेस्ट टाइम। बेटा रिवाइज करना है तो कर सकते हो और अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सीबीएसई वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बिकॉज वो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ठीक है। तो इसमें अब क्या करना होता है मैडम बेटा मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट है ये क्या है ये रो बताता है ये कहां से आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा। ये क्या बताता है कॉलम बताता है सेकंड ये कहां से आएगा सेकंड से आएगा ठीक है। तो अगर मैं सी वन वन की बात कर रहा हूं तो ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा वन से माइनस टू किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से यानी कितना आएगा वन इंटू वन इज वन टू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज वॉट सिक्स यानी ये एलिमेंट मुझे कितना मिल रहा है सेवन मिल रहा है ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सी वन टू की बात करूं बेटा अब फर्स्ट रो बिकॉज ये फर्स्ट तो फर्स्ट रो और क्या मिलेगा सेकेंड कॉलम नाउ इट विल मल्टीप्लाई टू टू एंड टू वन इंटू टू वॉट इज दैट टू माइनस टू इंटू प्लस टू माइनस टू इंटू प्लस टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस फोर कितना आगे वैल्यू आपके पास इज माइनस टू। सिमिलरली आई मूव ऑन टू सी वन थ्री सी वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बेटा सो वन इंटू थ्री दैट इज थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन ठीक है माइनस टू माइनस वन प्लस हो गया ये हमारे पास कितना आ गया फोर आ गया। सिमिलरली आई विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स विच इज सी टू वन नाउ टू है बेटा टू है मतलब कहाँ पे आ गए अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो में आ गए और ये किससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सो टू टू एंड थ्री वुड मल्टीप्लाई टू वन एंड थ्री सो टू इंटू वन इज वॉट टू इंटू वन इज टू थ्री थ्री था या माइनस थ्री था दैट वॉज माइनस थ्री राइट इट वॉज माइनस थ्री सो थ्री इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस नाइन सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस सेवन। When you see C22, then you are going where? Second row and second column. 2 into 2, that is 4. And 3 into 2, that is 6. Overall, it's coming out to be 10. Similarly, I'll come to the last element, which is C23. Kaun sa hoga? Second row, third column. 2 into 3, that is coming out to be 6. And 3 into minus 1, which is minus 3. And hence, you get 6. यानी जो सॉरी सेंस यू गेट थ्री ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बेटा सर सी वन थ्री सर थ्री प्लस टू नहीं होगा सी वन थ्री चेक कर लेते हैं बेटा सी वन थ्री इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो वन इंटू थ्री थ्री हो गया माइनस टू इंटू माइनस वन यानी कि ये मुझे यहाँ पे टू लिखना चाहिए था तो ये फाइव होता बेटा थ्री प्लस टू इज कमिंग आउट टू बी व्हाट फाइव। Any different answer? I hope that is okay. Yes. ठीक है, right. तो इसका final जो हमें output लिखेंगे बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा? C11 seven, C12 minus two, C13 five. Then C21 which is minus seven, C22 that is ten and C23 that is three. ठीक है? A silly mistake can make us to a you know wrong conclusion, right? अभी अभी मैंने भी ये कैलकुलेशन में फोर कर दिया राइट वन से हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरराइट कर रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ठीक है। सो इफ इट इज क्लियर लेट अस सॉल्व वन मोर राइट। अभी हमने टू बाई टू का लिया टू बाई टू को टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया और थोड़ा सा एक लेंदी कैलकुलेशन वाली चीज भी लेते हैं उसके बाद फिर मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आई आई टीज का क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग जो अभी पिक करते हैं वो कंप्यूट ए बी बी ए विच एवर एग्जिस्ट इन दिस केस ठीक है। एक क्वेश्चन आओ थ्री का थ्री ले लेते हैं और एक क्वेश्चन फाइव का सेकंड ले लेते हैं ठीक है। ये सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चंस हैं तो आइए इनको भी डिस्कस करते हैं उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिशन में आता है ठीक है। So let us see. Those who have done this topic previously, the ISC students, I expect कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें आ रही होंगी और वो जो मैं अभी next slide पे जो question दिखाने वाला हूँ आपको, I expect कि ISC वाले मुझे ज़्यादा fastly answer देंगे.
So it will be a competition among the ISC and the CBSE students, right? Who is going to give the answer first? और किस शहर से पहले आंसर आता है, राइट? तो अब जब अलग अलग शहरों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई कॉम्पिटिशन तो होनी जरूरी है ना, देयर शुड बी सम हेल्दी कॉम्पिटिशन. ओके, लेट अस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट. ए इज 1 - 1, 2, 3. अब ए का अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो इट इज नथिंग बट 1 × 4. आई होप ऑल ऑफ अस आर कंफर्टेबल इन दैट. Right, the order of A is what? It is 1 × 4. When I check the order of B, that is coming out to be 4 × 1. Okay. It is a column matrix and A is a row matrix. It has got 1 column and 4 rows. अब मैं अगर बोलूँ क्या यहाँ पे ए बी पॉसिबल है, क्या यहाँ पे बी ए पॉसिबल है, ए बी के लिए, राइट? अगर मैं ए बी देखता हूँ तो यस, ए बी इज पॉसिबल. Right, AB is possible because number of columns of A is equal to the number of rows of B. Okay. Similarly, if I talk about BA, because इन्होंने बोला है whichever is possible. ठीक है, whichever exists. अगर दोनों exist करेंगे तो दोनों ही B calculate करने पड़ेंगे. अगर मैं BA देखता हूँ बेटा, तो BA के लिए मुझे क्या चाहिए? BA के लिए मुझे ये देखना है कि first का जो number of columns है, यानी कि 1, that should be equal to the number of rows. तो यहाँ पे दोनों possible हैं, AB भी possible है और BA भी possible है. और AB बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि अगर मैं ए बी करूंगा तो मुझे क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलने वाला है. आई एम गोइंग टू गेट 1 × 1, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. देयर वुड बी जस्ट वन एलिमेंट. और बी ए इज गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव. द आउटपुट विल बी व्हाट? 4 × 4. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक थिंकिंग हमारे पास होनी चाहिए. तो आओ देख लेते हैं, राइट? इसमें तो मैं कोई कॉम्पिटिशन लगवा ही नहीं रहा बिकॉज ये सब बेसिक बातें हैं. आई एस सी वाले जीत जाएंगे बिकॉज वो लोग पहले कर चुके हैं ये. तो अभी जब ये तुम भी उनके बराबर आ जाओ और फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं फिर कौन जीतता है. लेट अस सी. सो ए बी पहले चेक करेंगे बेटा. ए बी, ए इज 1 - 1, 2 and 3. मैंने बोला बस पेशेंटली कैलकुलेशन करने की हैबिट होनी चाहिए और कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे. 0, 1, 3, 2, राइट? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं. मैं सीधा ही आंसर लिखना चाहूंगा. सो 0 × 1 is 0, 1 × 1 मिलने वाला है. -1 × 1 is -1. 2 × 3 is 6. 3 × 2 is 6 again. So I'm sure even you have got the same answer, which is nothing but +11, right? 0, -1, 6 and 6. That's coming out to be +11. ठीक है? तो ये A cross B बड़े आसानी से. It is a 1 by 1 matrix. इसमें हमारे पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है, दैट मींस हमारे पास एक ही एंट्री है, राइट? इज वन एलिमेंट. तो बड़े आसानी से ये पता लग गया. आओ बी क्रॉस ए भी देखते हैं, बी इनटू ए भी देखते हैं. बी इनटू ए थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है बिकॉज 4 × 4 मिलेगा. कोई बात नहीं, देखते हैं. लेट अस सी. सो आई एम इरेजिंग दिस कैलकुलेशन. आई होप दैट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस. मैं बी ए पे फोकस करूंगा. पहले अभी बी लिखूंगा और फिर ए की तरफ मूव करेंगे. सो बी विद अस इज 0, 1, 3 and 2. And A is 1, -1, 2 and 3. हम लोगों ने एक बात तो समझ रखी है कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है ये 4 × 4 का होने वाला है. और होता क्या है, इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, एक यहाँ पे एलिमेंट है. 0 × 1 क्या मिलने वाला है? 0. ध्यान से समझना. 0 × -1, 0 × -1 क्या मिलेगा? 0. 0 × 2 क्या मिलेगा? 0. 0 × 3 क्या मिलेगा? 0. पूरा का पूरा जो हमारा फर्स्ट रो है वो आसानी से 0, 0 आ गया. अब अगर मैं सेकेंड रो पे आता हूँ, मैंने क्या बताया था आपको, फिर से रिपीट करता हूँ. रो किससे देखेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स से. कॉलम किससे देखेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स से. ठीक है? नाउ 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू रिस्पेक्टिवली. 1 × 1 आई गेट 1. 1 × -1 दैट इज -1. 1 × 2 दैट इज 2. 1 × 3 is what? That is 3. Again, third row will be multiplied. I'll obtain here the third row, right? Resultant का मेरे पास अभी third row आने वाला है. Total मेरे पास 4 rows हैं. थोड़ा और मैं इसको increase कर लेता हूँ size. So 3 × 1 is what? That is 3. 3 × -1 - 3. 3 × 2s are that is 6 and 3 × 3s are that is 9. Now the fourth row, 2 × 1 that is 2. 2 × -1 that is -2. 2 × 2 that is 4. 2 × 3 that is 6.
So that would be the answer for BA. I hope all of you understand that. Okay? Let me see the hands who could understand. Fastly batao, fatafat jab batao, aage badhe. Right? Ye bahut basic baatein hain, lekin haan, samajhna zaruri hai. Kyunki first time padh rahe ho, isliye thoda attentive hoke main padhane ki koshish kar raha hu. Bilkul basic ki tarike se bata raha hu. So that everyone should understand these basic things. Right? Once you are comfortable with these basic things, definitely aage ki cheeze bhi mushkil definitely nahi hai. मैंने बार बार बताया आपको ये टॉपिक कैलकुलेटिव है, मुश्किल नहीं है. कहीं से भी तुम्हें इस टॉपिक में कुछ ऐसा इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं है. अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है. प्रोसीजरल है. इफ यू फॉलो द प्रोसीजर, यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, यू विल ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम इन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में आता है. इसीलिए इसको ढंग से पढ़ो, आसानी से पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, लेकिन फिर भी जिनको भी परेशानी हो रही है मैं उनके लिए सॉल्व करूंगा. अगर आपने कर लिया है तो व्हाई डोंट यू ट्राई द फोर्थ वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई द थर्ड वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. राइट, इन केस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, प्लीज प्रोसीड अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. फॉर अदर्स आई विल सॉल्व इट. सी, अब ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है बेटा. समझने के लिए इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ. अब बात आती है कि क्या कोई ऑर्डर है मल्टीप्लाई करने का, क्या ए बी पहले मल्टीप्लाई करना है, बी सी पहले मल्टीप्लाई करना है. राइट, ऐसा कुछ है नहीं. आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी पिक कर सकते हो. आई रिपीट, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी पिक कर सकते हो. कन्वीनियंस जरूर चेक करो. कन्वीनियंस से क्या मतलब है मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. ए बी मल्टीप्लाई कर दो कोई जरूरी नहीं है, बी सी मल्टीप्लाई कर दो कोई जरूरी नहीं है. हमेशा देखो, थोड़ा सा अगर फोरसाइट होगी ना, अगर तुम थोड़ा आगे का सोचोगे तो हमेशा तुम्हें दूसरों के रिस्पेक्ट में कम मेहनत करनी पड़ेगी. राइट, स्मार्ट वर्क कर पाओगे. अगर तुम कभी भी लाइफ में कुछ आगे का फोरसी कर पाते हो तो आपके आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, आप अपने गोल तक जल्दी पहुंचते हो. यहाँ पे मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें करके बताता हूँ. जैसे ए के बारे में हम सब लोग जानते हैं इट इज 1/3 मैट्रिक्स. बी के बारे में क्लियरली हम लोग जानते हैं इट इज 3/3 मैट्रिक्स. और सी के बारे में हम सब लोग जानते हैं इट इज 3/1 मैट्रिक्स. अब मैं मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे करना चाहूंगा ताकि कैलकुलेशन कम से कम मिले. राइट, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा बी और सी से वो मिलेगा 3/1 का. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 1/3 का. ठीक है, तो हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ वहां पे इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. राइट, इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे भी छोटा मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ भी छोटा ही मिल रहा है, तो तुम कोई भी पिक कर सकते हो रैंडमली. लेकिन हाँ, मैंने इस बात को एम्फेसाइज किया. अभी लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें ये बात बताऊंगा अभी क्यों मैंने ये बात कही. उस बात को आप ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे कि फोर्सी क्यों करो. राइट, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग ए बी और बी सी, यू मस्ट चेक कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है. जहां पे भी ऑर्डर छोटा मिल रहा है, जहां कैलकुलेशन कम आ रही है, आपको हमेशा वो मल्टीप्लीकेशन पहले करना चाहिए. ध्यान रखना इस बात को, इस एडवाइस को ध्यान रखिएगा आप सब लोग. ठीक है, ओके, सो आई विल गो विद लेट्स से 1, 2, 3 एंड दिस वन. दिस इज 1, 2, 3 एंड द अदर इज 1, 0, 2 2, 0, 1, 0, 1, 2. राइट, अब जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा फिर उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं. फिलहाल अगर आप अपने स्कूल एग्जाम में आंसर शीट के हिसाब से लिखने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये टर्म यहाँ पे लिख लेना चाहिए. ठीक है, यू शुड राइट इट एट दिस स्टेज. ओके, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हो दैट दिस इज ए बी एंड ए बी का जो भी रिजल्टेंट है यू विल मल्टीप्लाई विद सी. ठीक है, इधर वे इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम. So this is 1/3 and this is 3/3. So the resultant definitely would be what? 1/3. मुझे जो resultant मिलने वाला है वो 1/3 का मिलने वाला है. That means हमारे पास सिर्फ एक row obtain होने वाली है. So 1, 2, 3 multiplied to the first thing here, right? The first row here. Let me use a different color so that it's clearly understood. Isha is 82. Okay, that, I hope that is fine, Isha beta. 1 × 1, that is 1. 2 × 2, that is 2, right? So 4, 1+4, और ये चीज हमारे पास ये गई, because 3 × 0 ये 0 ही होगा. ठीक है,
अब सेकेंड रो में आ गया, मैं सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो गया 0 0, और ये आ गया बेटा मेरे पास 3, ठीक है, दैट इज 3. नाउ दिस विल मल्टीप्लाई टू द थर्ड रो, ठीक है, तो थर्ड रो में मेरे पास कितना आ गया 1 × 2, दैट इज 2, राइट, दैट इज 2, 2 × 1, दैट्स 2 अगेन, दैट इज 2 अगेन, एंड 3 × 2, दैट इज 6, राइट. थोड़ी सी ये बाहर चली गई है, आपकी नहीं जानी चाहिए, राइट. एंड जो भी रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज मल्टीप्लाइड टू 2, 4 एंड 6, ठीक है. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, दिस इज 5, दिस इज 3, एंड दिस इज वॉट, दैट इज 10, 1 × 3, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू 2, 4, 6, दैट विल मल्टीप्लाइड टू 2, 4, 6. So this is 1 × 3 and this is 3 × 1. Quite obvious, you should understand that the resultant would definitely be what? 1 × 1. Would be 1 × 1. So 5 2s are, that is 10. 3 4s are, that is 12. And 10 6s are, that is 60. So 82, most of you have said that correctly. I hope aap sabhi ka aa gaya hoga. Let me see the hands who got the answer 82 or who have understood ki 82 aa raha hai. ठीक है, लेट मी सी द हैंड्स फास्ट. इसका 82 में कोई टेंशन नहीं है. हाँ, 82 बिल्कुल सही है सर, हमारा भी आ रहा है. फाइन, सो रेडी चिल्ड्रन, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज इजी एंड इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी. ठीक है, इट इज डेफिनेटली इजी. अगर मैं तुम्हें इनिशियल स्टेज पे कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं इस बात को समझता हूं कि वो आसान क्वेश्चन ही होना चाहिए. ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग. सबसे पहले मुझे आंसर कौन दे रहा है? आई विल बी वेटिंग. ठीक है, किस शहर से आंसर आएगा, किस बोर्ड का होगा, कौन बच्चा है? ठीक है, तो ये कंपटीशन सिटी का भी है, आपके बोर्ड का भी है, आपके स्कूल का भी है, सब जगह का है. देखते हैं कौन, हु इज गोइंग टू डू द बेस्ट जॉब. हियर कम्स योर क्वेश्चन. आई एम वेटिंग. आयुष ने आंसर बता दिया, इसने पहले कर रखा है, पक्की बात है. आयुष ने पहले कर रखा. आयुष, यू बी क्वाइट. क्वेश्चन मिलते ही इसने आंसर बता दिया, मतलब इसने पहले कर रखा है. ये सारे क्वेश्चन करके रखता है, ये पहले से कर लेता है. कोई नहीं आयुष, तुम और क्वेश्चंस कर लो, अभी दे रहा हूं तुम्हें एक और. सर वो भी कर रखा है. बहुत बढ़िया. Anyone else? You need to find what is the value of alpha. Multiple choice. हाँ जी. तो multiple choice. Multiple choice में you have 4 options. -1, 1, 4 and no real solutions. किसी और का भी answer आया? Akshit is saying A, B, C. अच्छा. Dhruv is saying what? 1. अच्छा. सॉरी सर, डी. अच्छा, 1. चलो फाइन, लेट्स नॉट वेट मच. आइए देखते हैं. इजी क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी करना था. यहाँ पे दो चीजें, दो बेसिक चीजें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रही है. वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स एंड द अदर इज इक्वालिटी, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द अदर इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसलिए क्योंकि हमें ए स्क्वायर चाहिए. तो ए स्क्वायर कुछ और नहीं है बेटा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, राइट. व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस अमंग देमसेल्व्स, इट इज नथिंग बट द सेम थिंग. ठीक है, तो बिल्कुल जो रूल हमने सीखा है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है. कोई टेंशन नहीं लेनी है, राइट. जो रूल आपने अभी अभी सीखा है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. आइए डिस्कस करते हैं. ये अल्फा, आई एम सॉरी, फर्स्ट से हम लोग क्या लेते हैं? फर्स्ट से हम लोग रो लेते हैं. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है. हालांकि दोनों ए ही है, लेकिन फिर भी इस चीज को हमें प्रैक्टिस में लेके आना है कि फर्स्ट से हम लोग हमेशा रो पिक करते हैं. सो अल्फा इनटू अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर. 0 × 1 = 0, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या मिलने वाला है? अल्फा स्क्वायर मिलने वाला है. अभी अल्फा इंटू 0 × 1, यानी यहाँ क्या मिलने वाला है बेटा? 0. अब क्या सेकेंड कॉलम में आ गया, सेकेंड रो में आ गया, सेकेंड रो में आ गया, तो यहाँ भी मेरे पास सेकेंड रो होगा. So 1 × α and there is 1 × 1. यहाँ क्या मिलने वाला है बच्चा? अल्फा प्लस 1. This will be multiplied to this column, right? So 1 × 0, that is 0. 1 × 1, that is 1.
ओवरऑल आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है एज पर द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू बी एंड बी इज 1051. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग जानते हैं दैट दीज थिंग्स शुड बी इक्वल राइट. ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए दैट इज 1 या फिर अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 5 होनी चाहिए. ठीक है तो इस तरीके से हमें अल्फा की दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे प्लस माइनस 1 और एक यहाँ पे भी तुम्हें नीचे भी मिल रही है क्या अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है 4 आ रहा है. फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन्होंने तीनों ही चॉइसेस दे रखे हैं. ध्यान रखना इस तरह केस में मैंने पहले भी तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन आई थिंक प्राची ने पूछा था और उसको डिस्कस किया था अक्षित ने जिसमें उसने दो अलग अलग केसेस को एक साथ मर्ज कर दिया था और वहां पे क्या आंसर था दैट फॉर नो रियल सॉल्यूशंस ऑफ वाई ऐसा कोई क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है राइट. तो आप ध्यान रखना इस तरह के केसेस में यू कैन बी वेरी श्योर चाहे वो बोर्ड लेवल है आईटी लेवल है किसी भी लेवल पे राइट अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन सही है अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे क्या बोलोगे नो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट. ठीक है बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ठीक है वी कैन नॉट से दैट यस माइनस 1 1 एंड 4 ऑल ऑफ देम आर द आंसर. नो देयर हैज टू बी वन वैल्यू ऑफ अल्फा जिसके लिए वो सही होना चाहिए सबके लिए हो ही नहीं सकता नॉट पॉसिबल. जैसे मान लो अगर तुमने अल्फा इज इक्वल टू 4 ले लिया अगर तुमने अल्फा इज इक्वल टू 4 ले लिया तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई ना ये तो सेटिस्फाई करेगी ही नहीं ये तो गया बेचारा समझ रहे हो ना. ठीक है अगर तुमने सपोज करो माइनस 1 ले लिया तो ठीक है ये सेटिस्फाई कर गया लेकिन ये बेचारा गोल हो गया दिस वन इज गॉन. इसीलिए आपके पास एक ही ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए वो सारी चीजें सेटिस्फाई करेंगी. तो व्हाट इज द आंसर द आंसर इज नो रियल सॉल्यूशन. आई होप दैट इज ओके. आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी डिस्कस अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टॉपिक राइट. सो हियर इज द क्वेश्चन इज इट क्लियर टू एवरीवन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट आई जस्ट डिस्कस्ड. Is it understood by all of you? Let me see your hands. If it is understood by all of you, that is fine. ठीक है. Good. ये लो भाई, next question. What is the value of x? आयुष आंसर बताने वाला है. बताओ आयुष टाइप करके बताओ. What is the answer? टाइप कर दो बेटा आप. यू कैन टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. जस्ट ओपन द चैट बॉक्स. लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ए एंड बी वाई इज नॉट वाई इज दैट नॉट द आंसर. प्राची को भी समझ में आ गया होगा राइट. यस सलमान आपने भी वो गलत कर रखा था समझ में आना चाहिए क्यों नहीं हो सकता. माइनस 5/3 आयुष शाबाश वेरी गुड. अगेन एज आई सेड यहाँ पे कुछ भी मुश्किल तुम्हें नहीं मिलने वाला है. थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है जो अगर तुम पेशेंटली करो तो मुश्किल नहीं है कहीं से कहीं मुश्किल नहीं है. ठीक है अब यहाँ पे जब हमें इस क्वेश्चन को देखना है बच्चों तो अब अगेन ए बी सी राइट कहीं से भी किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट टू को ले लो लास्ट टू को ले लो कहीं से भी ले लो. बट अगर मैं फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेंगे वो एक्स में मिलेंगे विच विल मेक थिंग्स वेरी टाइडी फॉर अस राइट. कभी भी ज्यादा वेरिएबल्स को लेकर के चलना बहुत वाइज ऑप्शन नहीं होता है. तो मैंने ये बात कही थी आपसे कि किसको मल्टीप्लाई करना है ये चीज क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है कि आप ए बी को पहले करो या बी सी को पहले करो. इस बात को आपको वाइजली चूज करना है उससे तुम अपनी आंसर सेम आएगा बट तुम अपने एफर्ट्स को काफी रिड्यूस कर दोगे. तो यहाँ पे मैं पहले लास्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज 3/3 एंड दिस इज 3/1. सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लास्ट टू डेफिनेटली 3/1. ठीक है मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मुझे 3/1 मिलेगा. देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ ध्यान से देख लो. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कर चुके होंगे. 1, 2, 3 विल मल्टीप्लाई टू व्हाट 1 - 2 and 3. सो 1 × 1 दैट इज 1. 2 × -2 दैट इज -4. 3 × 3 दैट इज 9. अगेन कमिंग टू द सेकंड रो 4, 5, 6. सो 4 × 1 दैट इज 4. 5 × -2 दैट इज -10.
6 3 is 18, right? Then coming to this place, ये कितना आ गया मेरे पास 3 into 1 that is 3, that is minus 4. 5 into 3 is how much? That is 15. ठीक है, ये तुमने B और C का resultant निकाला है, तुम इसको अभी थोड़ा और simplify करके लिख लो. और यहाँ let us not forget you have 1 x and 1 जिसको हमने अभी multiply करना है. तो no issues, this is 1 x and 1. यहाँ मैंने इसको चेक करा, ये कितना आ गया 10 minus 4 that is 6. एंड ये कितना हो गया 22 में से 10 गया तो ये 12 हो गया, और ये 18 में से 4 गया तो आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी 14. ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 14. अभी दिस इज 1 इंटू 3 एंड दिस इज 3 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन करूंगा क्या आएगा मेरे पास 1 बाई 1. ठीक है, 1 बाई 1 तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 इंटू 6 इज 6, x इंटू 12 इज 12x, and 1 into 14 that is how much, 1 into 14 is definitely 14. theek hai, in sab ko add karunga mere paas kitna aa raha hai output, this is 12x plus 20 as per the question. it is ab ye tumhara ye zero value nahi hoti, dhyan rakhna kisi bhi matrix ki value nahi hoti hai beta, determinant ki value hoti hai, matrix ki value nahi hoti hai, matrix is always an expression. to ye tumhe kya bata raha hai that it is a matrix, it is a null matrix. राइट, नल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये किस ऑर्डर का होना चाहिए, 1 बाई 1 का होना चाहिए. दैट सिंपली मींस कि हम एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल है मतलब एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं. दैट मीन्स 12x plus 20 is equal to 0. If that is equal to 0, you get x is equal to minus 20 over 12, which you can say as minus 5 by 3. 4 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, दैट इज योर आंसर. Understood everyone? Let me see your hands fast. If it is understood. नहीं समझ में आया माइक यूज करो, दोबारा पूछ लो. If it is not clear, use the mic or use the chat box, whatever you want. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. एक बार रिपीट कर दीजिए. ओके. चलो भाई एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो सबसे पहली चीज ये बेटा कि ये देखो कि कैलकुलेशन कैसे करोगे, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में एफर्ट्स कम से कम लगाना पड़े. आप a इंटू बी भी कर सकते थे, राइट, बट वहाँ पे क्या होता, बहुत सारे वेरिएबल. देखो इमेजिन करो क्या मिलता, 1 इंटू 1 1 मिलता, ठीक है, x इंटू दिस ये तुम्हें 4x मिलता, 1 इंटू 3 ये कितना मिलता, ये 3 मिलता. तो ये तुम्हारे पास टर्म आता क्या 4x plus 4. फिर और भी ऐसे टर्म्स आते, सारी चीज सब जगह तुम्हारे पास ये x वाला टर्म हमेशा रहता, तो अननेसेसरी तुम्हारे पास टर्म्स बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो मैंने ये कहा कि आप पहले इस बात को समझें कि इस तरीके से चीजों को मल्टीप्लिकेशन को पिक करो, सो दैट यू हैव लेस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन. सो आई सजेस्टेड टू मल्टीप्लाई बी एंड सी अर्लियर एंड देन फाइनली व्हाटएवर इज द आउटपुट, फिर तुम उसको ए से मल्टीप्लाई करो. मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास कितना आ रहा है, दिस कमिंग आउट टू बी 6 12 एंड 14. ठीक है, फिर इसको हमने 1x 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा. अब ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 1 बाई 3 है. ये क्या है बेटा, ये 3 बाई 1 है. तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हें, 1 by 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा. 1 by 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 आ गया, 1 into 6, 12 into x, 1 into 14, ये सब मिलके कितना बन गया, 12x plus 20. ठीक है, अब ये जो आउटपुट आई ये O के बराबर है, ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता. ध्यान रखना है किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट अ वैल्यू. ऑलवेज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस बेसिक फैक्ट. ओके, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट अ वैल्यू. डिटरमिनेंट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यस दैट इज अ वैल्यू. ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये तुम्हारे पास क्या है, O का, ये O है, राइट, इस सिंबल का मतलब आप O समझेंगे. और O क्या होता है, O एक नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. तो अगर मुझे लेफ्ट साइड पे जीरो मिला, इसका मतलब है कि जो राइट साइड पे जो ये O लिखा हुआ है उसमें एक एलिमेंट होगा जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कितना मिला, 12x plus 20, एक एलिमेंट है. इसी तरीके से राइट साइड पे क्या होगा, एक एलिमेंट होगा विच विल बी जीरो, बिकॉज ये नल मैट्रिक्स है. अगर 3 बाई 3 होता तो सारे एलिमेंट जीरो होते. अब एज दे आर इक्वल तो इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे. इसके इधर लेफ्ट साइड पे क्या है, 12x plus 20, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0. तो हमने उसको इक्वेट किया एंड दैट इज द आंसर. इज इट ओके सलमान? यस सर. सर अगर पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो, अच्छा ए और सी को, आओ बेटा ये भी देख लेते हैं, 1 into 3 and 3 into 1. बेटा अगर आप ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा. ठीक है,
क्योंकि आपके पास जो आउटपुट मिलेगा वो वन इंटू वन का मिलेगा और फिर आप उसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप बी और देखो ऑर्डर कभी भी ऐसे स्किप नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात. दैट वाज अ गुड क्वेश्चन राइट. आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं पिक कर सकते हैं. या तो आप फर्स्ट को कर लें या आप लास्ट को कर लें, वो भी तब अगर मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स जिसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इज इट ओके ईशा? यस सर. दैट इज फाइन. ठीक है, विल कम टू सम मोर बेसिक थिंग्स एंड देन विल अगेन बी बैक टू क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है हम आपके सामने आई है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टास्क तुम्हारे पास एक दो दिन ज्यादा होगा और आराम से करो, बीच में संडे भी मिल रहा है. ठीक है, मैं कल क्या करूंगा आपको नेक्स्ट ट्रांसपोज में आपको कल पढ़ा दूंगा. ठीक है, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो हैं सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लेंगे. अराउंड 70 प्लस क्वेश्चंस हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है. आप चाहें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले प्रायोरिटी देके कर लें और बाकी क्वेश्चंस आप बाद में करते रहना. ठीक है, देखो काम लाइफ में जब कभी भी लाइफ में जब आपके पास ढेर सारा काम आ जाए ना, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे इतना सारा काम कैसे होगा, आप उसको प्रायोरिटाइज कर लिया करो. ठीक है, प्रायोरिटाइज कर लोगे तो काम ईजिली हो जाएगा. ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना, जितने भी आपके ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन है, वेदर दे आर इन दी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, राइट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं बेटा, वट एवर बुक यू आर यूजिंग, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, पहली प्रायोरिटी इनको दिया करो. मेक श्योर डेट यू सॉल्व दीज थ्री कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बिफोर यू सॉल्व एनीथिंग एल्स. और ये कहीं भी हो, चाहे सॉल्व में हो या अनसॉल्व में हो, यू मेक श्योर दैट इट इज नॉट लेफ्ट बाय यू, इट शुड बी प्रॉपरली डन, इट शुड बी प्रॉपरली सॉल्व. ये नहीं कि बस सिर्फ पढ़ लिया काम हो गया, नो, इट शुड बी डन इन योर नोटबुक, प्रॉपरली मेंटेन करके रखो. ठीक है, और वो टिक डबल टिक वाली बात जो मैंने आपको बताई थी उसको आई एम श्योर आप उसको मेंटेन कर रहे होंगे. आइए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान से देखना है, इसको देखेंगे. If A B is defined, then B A need not be defined. ये बात हमें समझ में आती है, right? अभी इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा कि अभी पीछे एक जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैं A क्रॉस C तो कर सकता हूँ, right? A क्रॉस C is possible. ठीक है, हालांकि फिर लेकिन वो B से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, और इसके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दे लेता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से मैं A की बात कर रहा हूँ, दिस इज 2 into 3, और मेरे पास B है, this is 3 into 4, so a into b is possible, right? a into b ka output kitna ho jayega, 2 into 4. theek hai, maine kya bola tha, number of columns of the first should be equal to the number of rows of the second, to ye possible hai. but yahi pe agar main aap se bolu ki batao b multiplied to matrix a ye kitna ho jayega, to b ab number of first matrix kya ho gaya, b ban gaya, to iske number of columns kya hai, 4, jabki iske number of rows kitne hai, 2. तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं कि ए बी अगर डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा. वेरी सिंपल थिंग, दैट स्टेट्स अस दैट इट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट? व्हेनेवर ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हम क्या बोलते थे, दैट इट इज कम्यूटेटिव. तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेविटी होती है वो चेक नहीं होती. ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती रहता. अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये क्या कह रहे हैं, A and B are respectively M by N and K by L matrices. हमने ये भी अभी पढ़ लिया, right? Both A B and B A are defined only if, right? दोनों चीजें defined तभी होंगी when this is equal to this, N is equal to K and M is equal to what? L. ठीक है? Obviously बात है ये क्यों? Because of the same reason जो हमने अभी इस example से समझा. ठीक है? A B और B A सिर्फ यही condition में justified होंगे अगर इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो इक्वल हैं और दूसरे का कॉलम और उसके रो इक्वल हैं. ऐसा होगा तब एग्जिस्ट करेंगे दोनों, अदरवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, इफ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड इट इज नॉट नेसेसरी. नाउ अगेन देखो, अगर वो डिफाइंड भी हैं इवन देन इट इज नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे. इसका सिंपल एग्जाम्पल तुम फिर से मैं एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे सपोज करो ये तुम्हारे पास 2 into 4 है, राइट, और ये जो B है बेटा इसको तुम ले लो 4 into 2.
अब मैं आपसे पूछूं बताओ ए बी का आउटपुट मैट्रिक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 × 2, और बी ए का आउटपुट मैट्रिक्स कितना होगा, तो आपको बोलना चाहिए 4 × 4. क्या ए बी और बी ए इक्वल है? डेफिनेटली नो. इट इज पॉसिबल, यस, दोनों के दोनों पॉसिबल तो है, बट वो इक्वल नहीं है ना, राइट. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी इक्वल, यानी ठीक है इक्वल हो भी सकते हैं, राइट. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो इक्वल होते, समझ रहे हो ना. बट अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है और फिर भी पॉसिबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके इक्वल होंगे. रिमेंबर दैट. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, कभी भी अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आउटपुट एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स. आई होप ये बात भी बहुत आसानी से आपको ध्यान रहेगी. क्यों? बिकॉज उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है बेटा. जीरो मैट्रिक्स आना उसके अंदर के इंटरनल एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का जैसे दो नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, वी अंडरस्टैंड दैट यस एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड बी जीरो. बट इन मैट्रिसेस इट इज नॉट द केस, राइट. दैट इज व्हाई दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस, ठीक है. ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एज इट इज टाइप किया था आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना. तो कभी भी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें रिजल्टेंट में जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, इसका ये कंक्लूजन नहीं है दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड बी जीरो. इट इज पॉसिबल दैट बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट स्टिल देयर मल्टीप्लीकेशन इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, अ जीरो मैट्रिक्स. इज इट ओके चिल्ड्रन? आई होप दैट इज ओके. फिफ्थ पॉइंट, फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी फॉर द सेम ऑर्डर, अगर ये सारे के सारे सेम ऑर्डर के हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट. इफ दे आर इक्वल मैट्रिक्स, और अगर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. दैट मीन्स अगर ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं एंड इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी that AB will be true, A is equal to B will be true. बात समझ रहे हो ना? मैं इसको फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ. कभी भी तीन आपके पास मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, और अगर A और B दोनों इक्वल हैं, if A is equal to B, then AC will be equal to BC. This is okay. But इसका कन्वर्स क्या होगा कि तीन ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं and AC is equal to BC, then this does not imply that A is equal to B. Okay, boys and girls, ठीक है, that is fine. Everyone, I hope it is okay. Fine. Next is A into A is A square, A into A into A is A cube and so on. ठीक है, अभी हमने A square वाला question एक किया था. तो ये कुछ properties हैं, right? अभी तुम polynomials भी पढ़ोगे इस exercise में, तुम्हारे पास matrix multiplication के polynomials भी हैं. I think उसके examples हम शायद कल कर पाएंगे, ठीक है. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, यू कैन ट्राई. अगर नहीं होते हैं तो हम उसको कल देखेंगे. आइए एक क्वेश्चन आगे का भी एक देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव. और ये कर लेते हैं, मैट्रिक्स पॉलीनोमियल एक कर ही लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 7 पॉलीनोमियल का एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको डिस्कस कर लेते हैं. तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा करना कैसे है. यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, राइट. मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ. मे बी द फॉन्ट साइज इज स्मॉल इफ यू आर वॉचिंग ऑन योर फोन. If you're watching it on laptop or desktop, it is fine. But if you're watching it on phone, I'm sure आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ. So A is given as 2 minus 1, 3 minus 2, and B is given as 0, 4, minus 1 and 7. Right? We are supposed to find what is the value of 3A square plus 2B, sorry, minus 2B and plus I. ठीक है, अभी यहाँ वैल्यू निकालनी है, आगे हमें इस पे इक्वेशन सॉल्व भी करने होंगे, ठीक है. तो आइए पहले वैल्यू निकालने से ही शुरुआत कर लेते हैं. तो इस तरह एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, राइट. सॉल्यूशन की शुरुआत आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की शुरुआत आप कीजिए ए स्क्वायर को निकालने से, ठीक है. तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें मालूम है हमें ए इंटू ए करना है, विच इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इजी थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज 2 − 1 = 3, 2, ठीक है. हमने यहाँ पे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट कर दें. दिस कमिंग आउट टू बी 4 − 3, दैट इज 1, ठीक है. नाउ दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस,
तो 2 into minus 1, that is minus 2, minus 1 into 2, that is minus 2 again, क्या आ जाएगा? Minus 4. अभी second row में आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका second row और इसका first column. So 3 2s are 6, 2 3s are 6, 6 plus 6, that is coming out to be 12. 3 into minus 1 is minus 3, 2 into 2 is 4, that is 1 again. तो ये क्या मिल गया तुम्हें, a square मिल गया. हमें क्या चाहिए, thrice of a square, ठीक है, तो मैं इसको 3 से multiply करूंगा. That is a scalar multiplication. Scalar multiplication में क्या होता है? 3 will be multiplied to every term. तो मैं 3 से multiply करके इसको ऐसा लिख रहा हूँ, right? मैंने 3a लिख दिया straight away. Similarly, minus 2b. मैं b में अंदर 2 से multiply कर रहा हूँ. Minus 2b. So 0, 8, minus 2 and 14. Plus i. जिस order का होता है, यहाँ पे matrix जो चल रहा होता है, उसी order का ही हमें i को लेना है. I क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. अब कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है जो हम सब लोग कर सकते हैं. 3 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 4, बस रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 0 यानी कि माइनस 20. 36 माइनस का माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा, 38. 38 प्लस 0, इट विल रिमेन 38. 3 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस 11. माइनस 11 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, माइनस 10. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 शुड बी 4 माइनस 20, 38 माइनस 10. इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? लेट मी सी योर हैंड्स फास्ट. राइट, दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन. पूरे मैट्रिसेस में तुम्हें कुछ खास डिफिकल्ट चीजें नहीं मिलने वाली हैं, ध्यान रखना, ठीक है. इसकी स्कैन कॉपी मैंने आपके ग्रुप पे भेज दी है, जिनके पास बुक है दैट्स वेरी गुड, बुक से कर लीजिए. सॉल्व एग्जांपल्स भी करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रायोरिटाइज करके करो तो ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा. पहले जो सीबीएसई के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहले उनको कर लेना, ठीक है. सीबीएसई आईएससी, आप भी अपने जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक से कर, इससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. सीबीएसई आईएससी बोर्ड के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है. एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट, पहले इनको कर लेना. इससे क्या होगा, तुम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे. एग्जांपलर, एग्जांपलर के क्वेश्चंस जनरली थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है. इसलिए मैं कहता हूँ क्यों अच्छे क्वेश्चन क्यों करने चाहिए, बिकॉज आपके बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं. ध्यान रखना, जो बच्चा 92-95 के बीच में ला रहा है और जो बच्चा 98 से 100 के बीच में आ रहा है, इसमें इतना ही डिफरेंस होता है कि ये वाले जो बच्चे होते हैं ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर से करते हैं. बिकॉज एक दो क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा ऐसा डालता है जहां वो ये चेक करता है कि आपकी पढ़ाई में डेप्थ कितनी है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे, मैंने तुम्हें बिल्कुल कैटेगराइज करके बताया कि इन क्वेश्चन को जरूर से करना है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, यू कैन टेल मी.